नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा बड़ी खबरें। प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर आशिक अहमद नेंगरू को केंद्र ने सोमवार को आतंकवादी घोषित कर दिया, जो जम्मू कश्मीर में तरह तरह के आतंकी संगठनों में शामिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि नेंगरू जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने और विभिन्न आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि नेंगरू कश्मीर में एक आतंकी नेटवर्क चला रहा है और जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए खतरनाक अभियान में लगा हुआ है। इसने कहा कि नेंगरू से भारत की सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए और उसको आतंकी कृत्यों से रोकने के वास्ते उसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में सोमवार यानी 18 अप्रैल को एक बार फिर से पथराव की घटना सामने आई है। दिल्ली पुलिस द्वारा एक महिला को पूछताछ के लिए ले जाने के दौरान यह पथराव किया गया। हालात को देखते हुए इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के साथ ही भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। खबरों की माने तो पुलिस जहांगीरपुरी हिंसा के दौरान फायरिंग करते हुए दिखे सोनू शेख की पत्नी से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, तभी अचानक वहां जमा हुई भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक निवासी आरोपी सोनू शेख घटना के बाद से फरार है, लिहाजा पुलिस की टीम उसकी पत्नी से पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले जाने के लिए उसके घर पहुंची थी। लेकिन सोनू की पत्नी और उसके कुछ करीबी लोगों ने पहले तो इसका विरोध किया और फिर बाद में पुलिस पर पथराव करने की कोशिश भी की। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार तेजी से बढ़ गई है। इसी को देखते हुए सूबे के योगी सरकार ने लखनऊ समेत प्रदेश के 7 जिलों में सार्वजनिक जगहों पर फिर से मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसमें 6 जिले एनसीआर में भी आते हैं। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों के चलते प्रदेश सरकार ने 7 जिलों में मास्क को दोबारा से अनिवार्य किया है। इन जिलों में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और राजधानी लखनऊ नाम शामिल हैं। इसके साथ ही बताया गया कि पिछले 24 घंटों में गौतम बुद्ध नगर में 65, गाजियाबाद में 20 और लखनऊ में करीब 10 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करते हुए उसे एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। आशीष 15 फरवरी को 129 दिनों के बाद जेल से रिहा हुआ था। दरअसल यूपी के लखीमपुर जिले के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को किसान आंदोलन के दौरान बवाल हो गया था। इस दौरान 3 गाड़ियां प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुचलते हुए चली गई थी। घटना में 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसानों के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आशीष को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। जमानत देने का हाईकोर्ट का आदेश अपराध की गंभीरता के हिसाब से गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। यह जानकारी सोमवार को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस मौके पर 400 रागी शब्द कीर्तन का गायन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सहयोग से किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और देश व दुनिया की कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। पश्चिमी यूक्रेन के लिविव शहर में सोमवार को तड़के संभवतः मिसाइल हमलों के कारण हुए कई विस्फोट से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। गौरतलब है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मरियोपोल में आखिरी दम तक लड़ने का संकल्प जताया है। रूसी सेना ने बंदरगाह शहर के एक विशाल इस्पात संयंत्र को नष्ट कर दिया है, जो दक्षिणी यूक्रेन के शहर मरियोपोल में प्रतिरोध का आखिरी स्थान था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से संबंधित हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।